हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना भाटिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेमन सोडा की रेसिपी। ये ड्रिंक पीने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, समर की सबसे रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। चलिए आज की इस समर ड्रिंक लेमन सोडा की रेसिपी को शुरू करते हैं। लेमन सोडा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया एक गिलास, उसके अंदर डालेंगे एक नींबू का रस, 2 चम्मच चीनी, बिल्कुल थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी, ताकि हम चीनी और नमक को अच्छे से मिक्स कर सके। जब हम चीनी और नमक को अच्छे से मिक्स कर रहे होंगे ना, तभी हमने इसके अंदर डाल देनी है 5 से 6 पत्तियां पुदीने की। अब हम फिर से चीनी और नमक को मिक्स करेंगे पुदीने की पत्तियों के साथ, ताकि पुदीने की पत्तियों का जो टेस्ट है वो भी सोडे के अंदर आए। अब हम इसमें डाल रहे हैं आइस क्यूब्स, नींबू की स्लाइसिस, सोडा। ये वाला सोडा हमने फ्रेंड्स लिया है, ये 10 रुपीस वाला सोडा है। सोडा डालने के बाद हम साइड में लगा देंगे एक नींबू की स्लाइस, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे, और एक लगा देंगे स्ट्रो। हमारी लेमन सोडा ड्रिंक बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना देखने में ये ड्रिंक, कितनी ज्यादा फ्रेश लग रही है। फ्रेंड, जितनी ज्यादा ये देखने में फ्रेश है ना, उतनी ज्यादा ये पीने में भी टेस्टी है। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें इस लेमन सोडा की रेसिपी को। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पेज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। अब हम ऊपर से लगा देंगे पुदीने का फूल, ताकि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगे। फ्रेंड्स, 10 रुपीज़ का सोडा यूज करके हमने ये ड्रिंक रेडी की है। बाहर अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं पर भी इसे पियेंगे ना, बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी ये ड्रिंक। घर में हमने इसे बिल्कुल सस्ते में बना दिया है। मैंने तो लेमन सोडा बनाने के साथ साथ इसे पीना भी स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इसे बनाने के काफी देर बाद पिया, इसलिए इसका कलर जो था काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। फ्रेंड्स, इग्नोर कीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ही टेस्टी ड्रिंक है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।